हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोमेंट बेबी। सो आज हम बताएंगे आपको कैसा बेड फिटिंग करना, बेबी वुडन बेड कैसे फिटिंग करते हैं उसके बारे में। सो देख सकते हैं इसका जो पार्ट्स है अभी अलग अलग करता हूँ। ये जो है एक फोल्डेबल पार्ट्स है और इसका जो ये है एक जो और एक पार्ट्स है। सो इसका अभी फिटिंग करेगा। इसमें एक साइड में आप देख सकते हैं इधर दो मुर्गी का होल भी है, दो स्क्रू का, ये जो नेट लगाने के लिए दिया। सो इसका बाद में कर गया, पहले हम लोग एक साइड में ये फिटिंग करने का है। देख सकते हैं ये पार्ट्स फोल्ड होता है। सो इसके ऊपर प्लास्टिक कवर भी है, अच्छा है, वुडन है। तो इसका हम लोग अभी एक साइड में फोल्ड करके फिटिंग करने का। इसका जो तरफ से आप देख सकते हैं दो तीन होल है, लेकिन तीन जो होल में हम लोग दो स्क्रू डालने का है। सो दो स्क्रू डालने के बाद तो इसका दूसरा पार्ट जो है ये साइड भी फोल्ड होता है। एक्चुअली ये हम बाद में आपको सिखाएंगे कैसे फोल्ड करते हैं। इसका जो स्क्रू अभी लगाना शुरू किया तो एक तरफ स्क्रू लगाया और एक स्क्रू लगाने का है नीचे है, और एक स्क्रू अभी नीचे लगाया। देख सकते हैं अभी एक साइड का जो पार्ट वाला अभी दूसरा फोल्डिंग साइड का वो भी दो स्क्रू लगाने का वो भी लगाया। सो अभी ये जो है ये जो हम लोग जो फोल्डेबल जो एक साइड है उसका लॉक है ये। एक्चुअली ये प्लास्टिक लॉक से हम लोग लॉक करते हैं। ये एलेंकी से अभी लगाने का, ये स्क्रू पूरा एलेंकी के ऊपर है। सो एलेंकी से हम लोग लगाया। ओके सो अभी आप दूसरे साइड में भी सेम वही लॉक लगाने का। सो लगाने का अभी कलर्स होएगा हम लोग। सो आप देख सकते हैं अभी ये जो देख सकते ये फोल्ड जो है ये हम लोग लॉक किया। अभी ये जो क्लैंप है ये नीचे फिट करने का, क्यों हम लोग का जो सेफ्टी ये रहता है उसके लिए। सो हम लोग क्लैंप लगाया, तीन क्लैंप लगाने का, तीन से छः क्लैंप लगाने। अभी हम लोग ये डाल देगा जो प्लाई डाल देगा नॉर्मल प्लाई, इसमें जब बच्चा का कपड़ा पूरा रखने के लिए बेबी का इसके लिए। और ये जो दूसरा लॉक है ये ऊपर दूसरा जो बच्चे को सुलाने के लिए जो प्लाई लगाएगा उसके लिए वो लॉक लगाने का जरूरी है, नहीं तो गिर जाएगा बच्चा इसके लिए। सो ये भी बहुत स्ट्रांगली है। सो आपको ये वीडियो अच्छा लगता था आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और हम लोग का चैनल देखते रहो। सो ये पूरा लॉक लगा के हो जाएगा, आप देख सकते हैं छः लॉक लगाने के, छः एकदम छः स्क्रू लगा के अभी हो गया। सो देखो आपको दिखाएगा, देखो सेम छः पीस हो गया, तीन पीस तीन पीस। अभी ये फ्लाई भी बिठा दिया गया। सो हो गया अभी हम लोग का बाकी जो है एक सेकंड में जो फ्लाई को नहीं हिलने के लिए ये स्क्रू लगाने का है। ये क्यों फ्लाई एकदम मजबूत होता है, इसका एकदम स्ट्रांग होता है। और आप नीचे देख सकते हैं ये जो है ये घुमाएगा, ये दो तरफ, एक तरफ जो ये घुमाएगा तो अभी स्विंग होएगा, बैट स्विंग करेगा और इसमें आप घुमा भी सकते हैं। देखो थोड़ा खींच के घुमाएगा तो इसका ये तरफ अभी सीधा काटाएगा। और इसका तरफ आप टायर दो साइड में लगा सकते हैं, एक साइड इधर है और एक साइड उधर है। आपको इधर लगाएगा तो स्विंग नहीं करेगा, इधर लगाएगा तो आप स्विंग जब मांगते हैं स्विंग कर सकते हैं, जब टायर को ऊपर घुमा के भी रख सकते हैं। और इसके स्क्रू लगा दिया अभी टायर का, चार तरफ टायर है अभी आपको एक दिखा। और ये जो है ये क्लैंप है, ये जो है एक फोल्ड होता है इसका टेबल का जारिया होता है, सेम टेबल होएगा हम लोग जो पढ़ने के लिए ऐसा टेबल का जारिया होता है। सो ये क्लैंप अभी लगाया, ऊपर इसका दो स्क्रू आता है वो स्क्रू लगा दिया, हो गया। सो आप देख सकते अभी आपको दिखाएगा, देख सकते देखिए क्लैंप लगाया अभी ये टेबल जैसा हो गया, सीधा होता है, मतलब उनका बड़ा बेड का सेम हो जाएगा। ये साइड भी ओपन होता है, अभी इसका दो साइड ओपन होता है, एक साइड जो है एकदम नीचे जाएगा और एक साइड टेबल का जैसा होगा। आप बच्चा रखेगा इजीली उसको बेड से निकल सकते हैं इसके लिए। सो हम लोग ये फोल्ड करके दिया और नीचे जो है ये डायर के लिए जगह रखा है हम लोग। सो ये देख सकते हैं ये जो आपको पहले दिखाया था ये हदीद है, यह हदीद ऊपर लगाने का, इसके ऊपर नेट फिटिंग करने का, इसके ऊपर नेट फिटिंग है, इसको नेट लगाने का। और ये जो देख सकते हैं अभी नेट फिटिंग कर रहा हूँ। सो आप देख लो कैसे कैसा। और ये जो दो स्क्रू है उसको सेम ये लगाने का, उसका अंदर ये थ्रेड है, मुश्किल नहीं है, बस स्क्रू को उधर टाइट करने का है, दो स्क्रू डालने का है, टाइट करने के बाद सही से रुकेगा, मुश्किल नहीं है। तो सो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। और आपको यह वीडियो कैसा लगा उसमें कॉमेंट में बताओ। और सो थैंक यू सो मच।